जय हिंद। नमस्कार मेरे छह सैन्यों लाडो लाडलू, आप सभी को बता दूं अभी एसएससी जीडी का एडमिट कार्ड का स्टेटस आया, जिसमें से बहुत ज्यादा बुरी खबर सुनने को आ रही है कि रिजेक्शन हो गए हैं, बहुत सारे एडमिट कार्ड रिजेक्ट हो गए हैं। ठीक है, जो अपडेट आई इसके अलावा मैं बताऊं अब किसकी बारी है। अब आपकी बारी है, जिनको मैंने आपको एक मैं वीडियो का नीचे लिंक दे रहा हूं, उस वीडियो को देखना, उसके साथ में अगले चार पांच वीडियो और देखना। और जो मेरा दूसरा चैनल आर्मी अकेडमी, उसके भी दो वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उनको जाके देखिए। मैंने गला फाड़ फाड़ के चिल्लाया है कि यह गलती की, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, मौका नहीं मिलेगा। तो पहला तो उदाहरण आ गया कि मैंने जो वीडियो बनाया था फोटो के लिए, स्पेशली कि फोटो के ऊपर डेट लगाना, साथ में आपका सिग्नेचर होना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो गया, उसका प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप जाके देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला है, हर एक बच्चे को बोला है। क्यों? क्योंकि मैंने उस समय बहुत सारे बच्चों से कॉलिंग पे बात की है। और आपको बता दूं लाड़ दो, अब आपकी बारी है, जिनको मैंने और उसमें जो समस्या बताई है, जिन जिन के भी वो फोरम में समस्या होगी, अभी मैं रिपीट मारता हूं, गारंटी मेरी आप अपना फोरम रिजेक्ट समझे। कहने का मतलब आप ये ना समझे कि सर आप हमको डरा रहे, डिमोटिवेट कर रहे, नहीं बेटा ये वास्तविकता है, मैंने पहले बताई है। और जिनको मैंने उस समय बताया कि बाद में अपछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, उस समय मैंने गला फाड़ फाड़ के मैंने एक एक टॉपिक पे एक एक वीडियो बनाया है लाइव आके, बहुत सारे बच्चों ने जाना भी, बहुत सारे बच्चे जितने मेरे पास में एकेडमी बच्चे आए उनको मैंने स्पेशली बोला कि आप फॉरम भर के मत आना, मैं खुद फॉरम भरूंगा, आपका फॉरम भर के मत आना। आज अभी वहां मेरी खुद की एकेडमी में चार पांच बच्चे ऐसे है जो बाहर से फॉरम भर के आए थे, घर से उनके फॉरम रिजेक्ट हो चुके हैं, उनके फॉरम का कुछ नहीं बताया लाड लो। ये देखिए ये ऐसे फाड़ फाड़ के फेंक दिए मेरे पास में, ये रहे, कुछ मतलब नहीं है इसका, इस प्रकार से फाड़ दिए फॉर्मों को। ठीक है, किसी काम का नहीं है, अभी ये रिजेक्ट हो गया ये। ठीक है, और आपको मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला है, अब किसकी बारी है वो भी सुन लीजिए। अब आपकी बारी है, जिन्होंने मेरी बात उस समय मैं बोल रहा था ना, उस समय लोगों को लगता है ये क्यों वीडियो बना रहे एक ही टॉपिक पे, क्यों वीडियो, अरे एक टॉपिक नहीं था ये, टॉपिक जिंदगी से जुड़ा, आपकी जिंदगी खराब कर देता है। आपको एक मौका, आप ओवर एज हो जाओगे, मौका ही नहीं मिलेगा, कितना पछतावा होगा। चलो इस बच्चे के पास में जिनका हुआ उनकी अभी एज है, लेकिन ऐसे बच्चे भी बहुत सारे हैं जिनके ओवर एज होने वाले हैं, उनकी गलती हो गई, उनका क्या कल्याण हो गया उनका। ठीक है, ऐसी गलती पहले बोल रहा हूं, तो लाड़ लो अब बारी है आपकी। ठीक है, और किसी की नहीं, अब बारी आपकी है, ध्यान रखना। अब मैं बताता हूं कैसे किस किस का और रिजेक्ट होगा। उससे पहले एक चीज और बता लाड़ दो, आज फिर बता रहा हूं, अगर आप एसएससी जीडी की या किसी भी फोर्स की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप फोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहली बार बोल रहा हूं आज मैं, ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो मैं इंफॉर्मेशन देता हूं वो 100% सत्यता के साथ देता हूं, इसमें कोई शक नहीं है। और आपकी एजुकेशन के लिए भी मैं बहुत सारे बच्चे, जैसे मेरा जो एप्लीकेशन है कमांडो अकेडमी एप्लीकेशन, उस पर पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री है, जो हमारी अकेडमी के नोट्स सभी चीजें आपको बिल्कुल फ्री दी जा रही है, तो आप पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें, मेरी लाइव क्लासें रहती है हर रोज रात 8 बजे, रीजनिंग की बहुत ही शानदार क्लास रहती है, 3 बजे मैथ की रहती है, 9 बजे स्टेटिक जीके की, 11:30 बजे हिंदी की, हर एक सब्जेक्ट की क्लास यहां पर चलती है, तो आपको फ्री में तैयारी भी हो रही है लाड दो। साथ में ऐसी इंफॉर्मेशन दावा करता हूं मैं, आपको मेडिकल, फिजिकल एग्जाम, फॉर्म फिलअप, रिजेक्शन उपाय, मेरे से ज्यादा अगर कोई बता दे पूरी यूट्यूब पे तो चैलेंज है मेरा, मैं नाम चेंज कर दूंगा, यूट्यूब चैनल बंद कर दूंगा। दावा करता हूं मैं हर एक बच्चे की प्रॉब्लम, आज मेरे पास में कम से कम 10,000 मेडिकल की फोटो होगी जिन पे मैं वीडियो बना चुका हूं। कमांडो फिजिकल टिप्स चैनल मेरा नाम है, आर्मी अकेडमी मेरे दूसरा चैनल है उसका नाम है, आप उन पे जाके देखिए। ये चैनल एजुकेशन का है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन देता हूं दावे के साथ देता हूं 100%। अब किस किस की बारी है आप भी तैयार हो जाइए कि आपकी बारी है या नहीं है, उसका समाधान भी बताऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है, समाधान भी बताऊंगा, लेकिन वो समाधान जरूरी नहीं कि 100% सच हो सकता है कि आपकी किस्मत उसमें काम करे। लाड लो पहले पहली बात मैंने जब बताई थी कि आपके जो सिग्नेचर है, एक चीज और बता दी, आज जोर बता दू, आपके सिग्नेचर याद रख लेना, जो फॉर्म भरते समय जो सिग्नेचर किया है वही सिग्नेचर एंड तक करना। ठीक है, एग्जाम के समय क्योंकि कई बार फिंगरप्रिंट्स नहीं आता है, बायोमेट्रिक मिसमैच हो जाती है, तो उस समय आपका सिग्नेचर चेक किया जाता है, सिग्नेचर मिलने से आपका रिजल्ट नहीं रुकता है, नहीं तो आपका रिजल्ट रोक लिया जाता है। ठीक है, तो सिग्नेचर सेम करिए। अब मैं आपको बता दूं किस किस की बारी है। देखिए, जिसने 10th क्लास की मार्कशीट, जितने 10th क्लास की मार्कशीट में रोल नंबर गलत फिलअप करें, यानी रोल मार्कशीट में कुछ और रोल नंबर है और भरते समय कुछ और भर दिया,
100% रिजेक्ट होगा। ये कब होगा ये भी मैं बताऊंगा। जिसने खुद के नेम में मिस्टेक की है, यानी खुद के नाम में मिस्टेक की है, पक्का रिजेक्ट होगा। कब होगा वो भी बताऊंगा। जिसने कैटेगरी में मिस्टेक की है, यानी कोई ओबीसी से है, उसने एससी लिख दिया, एसटी लिख दिया, जनरल लिख दिया, ऐसा जनरल से आप बता सकते हो, लेकिन जनरल वाला ओबीसी लिख दिया या ओबीसी वाला एसटी लिख दिया या एसटी वाला एससी, उल्टा पुल्टा लिख दिया, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा 100%। डिस्ट्रिक्ट, जिसने डिस्ट्रिक्ट गलत भर दिया, कैसे, आपका डिस्ट्रिक्ट मान लो जनरल आता है, आपने गलती से नक्सल भर दिया, क्या भर दिया नक्सल, अगर आपने गलती से नक्सल भर दिया तो आपका फॉर्म 100% रिजेक्ट हो जाएगा। या बॉर्डर एरिया भर दिया, आपका बॉर्डर एरिया पड़ता ही नहीं है, ठीक है। रोल नंबर, अब हां, फादर और मदर का नाम, ये एक अगर आपने गलत भर दिया तो इसमें थोड़ी सी आपकी ख्वाहिश हो सकती है कि एफिडेविट से काम हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा डीओबी, डेट ऑफ बर्थ, जिसने भी गलत भरती, चाहे कम भरी हो और चाहे ज्यादा भरी हो, चाहे कम या ज्यादा, 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं, उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब किसका कब कब होगा मैं बताता हूं, ध्यान रखना किसका फॉर्म कब कब रिजेक्ट होगा। एक बात, हाँ एक बात और बता दो लाड़ दो, जो हमारा एप्लीकेशन है कमांडो अकेडमी, उस पर अभी दीपावली का आप सभी के लिए ऑफर दिया गया है, सभी कोर्सों को मात्र 150 रुपए में कर दिया गया आप सभी के लिए, यानी आप एसएसबी हेड कांस्टेबल, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, आर्मी, किसी की भी तैयारी कर सकते हैं, मात्र 150 रुपए में संपूर्ण कोर्स है, हर एक सब्जेक्ट का ऑल इन वन, ठीक है। अब देखो डेट ऑफ बर्थ, सही, आप तो 25 साल के हैं, आप तो 20 साल के, आपने 21 कर दिया, फॉर्म रिजेक्ट है। अगर रोल नंबर में गलती की है, फॉर्म रिजेक्ट होगा। नेम, अगर आपके खुद के नेम में प्रॉब्लम कर दी है, रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा। कैटेगरी अगर आपने गलत कर दी है, रिजेक्शन, आप जनरल से भर सकते हो। डिस्ट्रिक्ट अगर आपने गलत भर दिया, जैसे बॉर्डर नक्सल ऐसे उल्टा पुल्टा भर दिया, तो जैसे आप नक्सल में आते हो, बॉर्डर भर दिया, रिजेक्ट। जो बॉर्डर नक्सल में आता है और जनरल में भर सकता है, लेकिन जनरल वाला इनमें नहीं भर सकता। और फादर मदर के नेम में अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, वो चल जाएगी। दूसरी बात, इस बार एक चीज और बोली गई थी कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो फॉर्म डेट से पहले का होना चाहिए, फॉर्म डेट से पहले का बना हुआ होना चाहिए लाडू, कम से कम अप्लाई होना चाहिए। तो जिसने अप्लाई कर दिया उसका तो ठीक है, बाकी सबकी हो जाएगी खैर। अब मान लो किसी का इसके बाद है, अब बोलो गुरुजी ये तो बहुत सारों को प्रॉब्लम है आप में से, अब इसका इलाज भी बताना पड़ेगा, अभी बताना ही पड़ेगा, कहां जाएंगे हम है? अब इनमें से किस किस का इलाज है, देखो लाडू, डेट ऑफ बर्थ का तो कोई इलाज नहीं है भाई, आपने गलत भरती है, रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। रोल नंबर गलत भरती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपका रिजल्ट रोक दिया, या तो उसी समय आपको रोक दिया जाएगा, नहीं तो आप उस समय एक एफिडेविट बना के ले जाना। एफिडेविट कैसे बना के ले जाते हैं मैं बताऊंगा, एफिडेविट से आपका काम हो सकता है, और अगर नहीं होगा तो लास्ट में रिजेक्ट होगा। एफिडेविट कैसे बनाना है वो मैं, नेम की प्रॉब्लम का एफिडेविट चल जाएगा, ठीक है। वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भर देना अगर जिस जिसके प्रॉब्लम है, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसी आधार पे बनाऊं। कैटेगरी का कोई इलाज नहीं है इसमें, तो आपका डायरेक्ट रिजेक्ट होगा। अगर आपने गलती से जनरल से, आपने ओबीसी एससी एसटी भर दिया, 100% आपका रिजेक्ट होगा, इसमें कोई शक नहीं है। डिस्ट्रिक्ट वालों का रिजेक्ट होगा फाइनल मेरिट के समय, फाइनल मेरिट के समय आपका रिजेक्ट हो जाएगा, अभी नहीं होगा। क्यों? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका डिस्ट्रिक्ट नहीं देखा जाएगा। बहुत सारे बच्चे एसएससी जीडी 2018 वाले थे जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया था फाइनल मेरिट के 10 दिन पहले, ठीक है जी। फादर मदर नेम वालों का एफिडेविट चल जाएगा, और इसका भी एफिडेविट चल जाएगा। एफिडेविट वकील के द्वारा, कोर्ट के द्वारा बनाया जाएगा, उसमें क्या क्या लिखना है, कैसे कैसे लिखना है। जैसे आप पेपर पास करोगे, आप मेरे पास में आ जाना अकेडमी में, और मैं आपको अच्छे से एक प्रारूप दूंगा, उसमें लिख के आप एफिडेविट बना लेना। अकेडमी आप सभी को पता है कुचामन सिटी, उत्सामन सिटी राजस्थान में हमारी अकेडमी है, जिसमें सभी की आप नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, आरआरबी कांस्टेबल, रेलवे, एलडीसी, क्लर्क, एसएसबी हेड कांस्टेबल, सभी की तैयारी कर सकते हैं। स्पेशली हम गारंटी पे चलाते लाड़ दो, अगर सिलेक्शन नहीं तो फीस नहीं। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है 1.5 साल के समय में, तो आपकी पूरी फीस रिटर्न कर दी जाती है।
ठीक है, ये हमारी एकेडमी का रूल है। आप एकेडमी के लिए नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं या पेपर देखे, आपको जो इनमें से कोई भी समस्या आप मेरे पास में आ सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं, मैं आपको इसका समाधान बताऊंगा लाडलो कैसे एफिलिएट बनेगा। लेकिन जो चीजें मैंने बता दी है इनमें अगर आपके गलती है लाडलो तो आपको बहुत ही ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा बेटा, बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना, ठीक है, क्योंकि इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा। ठीक है, गला फाड़ फाड़ के मर गया था, नीचे लिंक है वीडियो को जाकर देख लेना, कितनी बार मैंने बताया कि ऐसी गलती मत करना, लेकिन आपने वही गलती की, अब इसीलिए बोल रहा हूं अगर आप नए हैं जुड़े हैं जुड़ जाइए इस चैनल से, आपको कभी ऐसी समस्या नहीं होगी किसी भी भर्ती से, ठीक है, इसकी गारंटी है 100%। जय हिंद, जय भारत।